हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डीआईवाई फेस मास्क, जो कि हेल्प करेगा आपके सन टैन को रिमूव करने में, साथ ही जितने भी समर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने में, क्योंकि इस फेस मास्क का मेन इन्ग्रीडियंट है एलोवेरा, और एलोवेरा के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। साथ ही मैंने इसमें ऐड की एक दो और चीज़ें जो इसकी क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो ये फेस मास्क अकेले आपके सारे समर प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। इस फेस मास्क को अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये आपके सन टैन को तो रिमूव करेगा ही, साथ ही अगर आपके अनइवन स्किन टोन है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, साथ ही आपके पुराने फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन सबको रिमूव कर देगा, वो भी बिल्कुल ही नेचुरली, बिल्कुल ही सेफली, बिना किसी केमिकल के यूज़ के। आपके फेस पे भले कितने पुराने पिंपल्स के स्पॉट्स हो, अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करोगे तो ट्रस्ट मी, विद इन अ मंथ आपके डार्क स्पॉट्स बहुत ही हद तक लाइट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। साथ ही ये फेस मास्क हमारे स्किन टोन को लाइट करने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कुछ से लग रही है, तो ये इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बनाएगा इंस्टेंटली ब्राइट और फ्रेश। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि इस फेस मास्क को बनाना कैसे, और फिर मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल। बाउल तो चाहिए किसी भी फेस मास्क को बनाने के लिए, उसे मिक्स करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले रही हूँ और इसमें मिक्स करेंगे एक स्पून एलोवेरा जेल। ये होम मेड एलोवेरा जेल है, मतलब मैंने प्लांट वाला एलोवेरा यूज़ किया है। मैं क्या करती हूँ कि उसके जेल को निकाल के फिर उसे ब्लेंड करके एक डब्बे में भर के मैं उसे फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे वो एक हफ्ते तक तो आराम से चला जाता है। तो आप इस तरीके से एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो, स्पेशली समर्स में, क्योंकि जब हम ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो इफेक्ट भी अच्छा करता है, साथ ही हमें फील भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही अब हम इसमें मिक्स करेंगे हाफ स्पून ऑफ हनी। आप देख लो जिस चम्मच से मैंने एलोवेरा जेल लिया था उसी से मैं हनी ले रही हूँ। हनी आधे चम्मच से भी कम है, मैंने बहुत ही कम अमाउंट में हनी लिया, क्योंकि समर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसलिए हनी मैंने बहुत कम यूज़ किया। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई साइड पे है तो आप हनी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हनी मैंने बहुत कम यूज़ किया है, अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो बस अब बारी आती है इसके लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो है टर्मरिक। तो मैं यहाँ पे बहुत ही चुटकी भर हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी को यूज़ करते वक्त आप अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, नहीं तो आपका फेस जो है वो पूरा येलो पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब हमें इस फेस मास्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस उसे अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लेना है 15 मिनट्स के लिए, और बस उसे नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर देना है। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फेस मास्क बन के रेडी हो गया और ये कैसा लग रहा है दिखने में। तो अब हमें सिंपली इसे अप्लाई कर लेना है। तो अब मैं आपको ये फेस मास्क अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ब्रश की हेल्प से हमें सिंपली जस्ट इसे अप्लाई कर लेना है। दिखने में ये एक पील ऑफ मास्क की तरह लगता है जब आप इसे अप्लाई करते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है आपके स्किन को, जो समर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अप्लाई कर लिया है और ये बिल्कुल इनफ था मेरे फेस के लिए। मैंने कितना कम बनाया था, क्योंकि फेस पर अप्लाई करना है और साथ ही एलोवेरा यूज़ किया है तो वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है। आप चाहो तो ये फेस मास्क आप अपने पूरे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है सन टैन को रिमूव करने में। तो मैं ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देना 15 मिनट्स के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद, इसे वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट है। तो 15 मिनट्स हो चुके और मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया। आप देख सकते हो मैंने अभी मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने प्लेन वाटर से मेरे फेस को वॉश किया, और आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ही अच्छा ब्राइट और फ्रेश लग रहा है। आई थिंक आप नोटिस कर पा रहे हो डिफरेंस को, क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये फेस मास्क।
That's why मैंने ये फेस मास्क आपके साथ शेयर किया। आई होप आप इस फेस मास्क को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस फेस मास्क का रिजल्ट क्या रहा आपके स्किन पे। मुझे जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि मेरी बताई हुई रेमेडी अगर किसी के काम आए तो। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही शेयर कर अपने सजेशंस एंड कमेंट्स कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है मेरे चैनल को लेके, अगर कोई सजेशन है तो भी झिझक आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं कि मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ मेरे चैनल को और खुद को। तो आई होप आप मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।